भाई यहाँ तो लीन है मजा आ गया भाई। अभी यहाँ यो बात हाँ ये बात है भाई, ये बात भाई। फिर रिएक्शन तो एक नंबर था ब्रो, लड़की का, लड़की पूरा ऐसे करके देख रही थी बस। कल के ब्लॉग में गाइस एक सीन गंदा हो गया था, तो अपना वाइड से वो चला गया था, अल्ट्रा वाइड से चला गया था स्टैंडर्ड मोड पे, तो थोड़ी सी दिक्कत कर गया था। तो अभी मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, तो अभी चलते हैं हाईवे वाली साइड। तो गाइस रात को क्या हुआ था, इसकी लाइट बंद हो गई थी यार साइड वाली, तो वो मैंने चलाई है अभी। तो बाकी यार कल ना इसका मीटर नहीं चल रहा था अपने थंडरबर्ड का, और साथ में इसका एक इंडिकेटर भी टूटा था, वो हमने ठीक कर दिया। तो मीटर वाली वायर भी ख़राब हो चुकी थी इसकी, मतलब टूट गई थी उसकी वायर, तो अपन ने थोड़ा सा टंका ठंका लगा के जोड़ दी। बाकी अब पेट्रोल का कोई मेरे को भरोसा नहीं है भाई, कहाँ ख़त्म होने वाला है क्योंकि डंडा गायब हो गया और रिजर्व पर लग गया। तो रिजर्व पे लगा था अपने जब हम बूजी के घर से इधर को आ रहे थे, और बाकी हमने घुमा भी लिया बाइक बहुत ज़्यादा। तो चलो चलते हैं उधर, देखते हैं आगे जाके। तो बाकी आज गर्मी है तो मैंने शर्ट डाल के आया हूँ, और वो भी कप्स को फोल्ड करके। तो यहाँ पर गर्मी हो चुकी है गाइस, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रही है। बाकी पिछले ब्लॉग में आपको विंड ब्लास्ट भी आया होगा, क्योंकि वो मेरा वाइज़र खुला था, और ये जो माइक है बोया कि ये कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, तो अब मैं माइक को भी अपग्रेड करने के चक्कर में हूँ। तो जल्दी ही गाइस पहले माइक करेंगे, फिर उसके बाद गाइस कैमरा भी करेंगे अपग्रेड। बाकी अतुल कहाँ रह गया, अतुल आज पीछे ही है। बाकी मज़ा पूरा आ रहा है आज राइड करने का। बाकी एक दो बंदा और होता ना अपनी गैंग का, फिर ज़्यादा मज़ा आता है। छपरी राइडर हो गया, बट छपरी राइडर का पता नहीं क्या सीन है भाई, वो ऐसे क्या पता गलियों में तेज चले, सिटी में जहाँ तेज चलना होता है वहाँ वो तेज नहीं चलता। ऊपर सीधा, बाकी भाई पुलिस वाले धीरे ही चलना ट्रैफिक वाले खड़े थे भाई, ट्रैफिक वालों को देख के भाई बिल्कुल मिट्टी हो जाते हैं हम, क्योंकि भाई ट्रैफिक वाले पता है आपको क्या चीज़ होती है भाई, राइडर्स का तो हजारों को पता होगी भाई, गलती ना भी होगी ना क्या पता तब भी ठोकेंगे। बट नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, पहले जब स्टार्टिंग में गाइस ये ब्लॉगर्स ने गंद डाला हुआ था ना बहुत सारा, बहुत गंदा लगा भाई, बहुत जहाँ देखो वहाँ राइडर्स, जहाँ देखो वहाँ राइडर्स। अब तो बहुत फ़र्क पड़ गया ना, अब तो बिल्कुल मतलब गिने चुने ही आते हैं इस रोड पे। नहीं तो पहले अभी शाम का टाइम है, तीन साढ़े तीन हो रहे हैं, मतलब दोपहर का ही समझ लो, अब शाम होने वाली है 4 बजे, मतलब आप मैक्सिमम बता लो कि शाम पड़ी जाती है, तो 4 बजे भाई इतने लोग होते थे ना यहाँ पर, तो अब मतलब गिने चुने नहीं। ये आज ये धीरे क्यों चल रहा है भाई, अभी इधर से निकाले थोड़ा ना इसको थोड़ा सा, फिर मजा आएगा भाई। बाकी लेन का थोड़ा सा करते हैं ट्राई, टायर गंजे हैं भाई, खिसक रही है बाइक, बट फिर भी थोड़ा कोशिश करेंगे, टायर को थोड़ी सी ग्रिप बनाने दो, बाकी फिर उसके बाद गाइस लीन प्रॉपरली होगा। दे गया लंडा आगे, पहले बड़ा मजा आता था यार। हाँ इधर है थोड़ा सा लीन का कॉन्फिडेंस आया, भाई शीशे को कुछ बजा है गंदी चीज पता है आपको, भाई यहाँ तो लीन है मजा आ गया भाई। अब थोड़ी सी टायर की ग्रिप बनी है,
जिसकी वजह से लीन कर रही है। अब देखते हैं यहाँ पर। हाँ भाई आज एक दो लड़के दिख गए ब्लॉगर। हाँ 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 बिल्लो ये बात पैर थोड़ा मजा दे रहा है अभी। अभी यहाँ हाँ यो बात ब्रो यो। हाँ 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 ये बात है भाई ये बात। बाकी रिएक्शन तो एक नंबर था ब्रो लड़की का। लड़की पूरा ऐसे करके देख रही थी। बाकी यार यहाँ तो अपन आज जो सिद्रा का मेन वाला रूट है ना जहाँ पर टॉप एंड बचता है तो आज अपने थंडर रोड को भी भगा लेंगे वहाँ पर और 220 को भी। देखते हैं भाई क्या बनता है। आज गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही हैं बट यहाँ से स्टार्ट हो चुकी हैं गाड़ियाँ। पहले लेन को सीधा वो होने देंगे ना खाली होने देंगे। जब कोई गाड़ी नहीं दिखेगी ना फिर भगाएंगे गाइस। फिर देखेंगे भाई देखेंगे टेस्ट करेंगे भाई क्या क्या बनता है अपनी बिल्लों का। बाकी भाई आज भी विंड ब्लास्ट उल्टा है इधर वो है। अब आगे पता नहीं क्या बनेगा मेन रूट पे। ठीक है पहले मैंने देखनी है भाई गाड़ियाँ। अगर गाड़ियाँ नहीं होंगी फिर खींचूँगा अदरवाइज ऐसे नहीं खींचूँगा। ठीक है देख लेंगे रूट क्लियर है। और नहीं 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 गाड़ियाँ नहीं है। विंड ब्लास्ट उल्टा था तो 145 नहीं ये गाड़ी है नहीं भाई आगे और विंड ब्लास्ट भी उल्टा है। 145 तक गई उसके आगे हिम्मत नहीं पड़ी भाई। ऐसे ऐसे हो रही है बाइक पूरी उसके आगे हिम्मत नहीं पड़ी है मेरे को खींचने की। बाजू ठंडी हो गई भाई विंड ब्लास्ट उल्टा है ना। बाकी जानी तो आगे थी बड़ी आगे जानी थी बट खींचने का मन नहीं करा क्योंकि विंड ब्लास्ट ऐसे ऐसे हो रही थी पूरी बाइक ऐसे ऐसे हिल रही थी। 145 तो आराम से जाती है लिमिटर का नामो निशान नहीं था भाई। यहाँ से मुड़ जाते हैं ऊपर को मेरा मन कर रहा ओ ओ ओ, ओ, ओ रुक जा जाने दे भाई। अभी हम पहुँचे कुछ तभी पुल के ऊपर और लोग नीचे गए हैं। देखो गाड़ियाँ गुड़ियाँ नीचे घुसाई हुई हैं और बाकी ये लगी है आपकी बिल्लो। 145 तो इजली टच हो गई बाकी उसके आगे हिम्मत नहीं पड़ी भाई क्योंकि विंड ब्लास्ट उल्टा था। तो देखो आप गाड़ियाँ बहुत सारी हैं इस टाइम पे तो दैट्स वाई गाइस ब्रेकिंग अप्लाई कर दी तो उसकी वो भी बोल रहा है 140 टच हो चुकी थी। अब पता नहीं भाई रात की बात वही जाने कितनी हुई थी कितनी नहीं बट 145 ये चली गई थी। आगे भी जा सकती थी बट आगे गाड़ियाँ थी। ठीक है बाकी चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी मेरा मन कर रहा है यहाँ से ऊपर चलते हैं और वहाँ से वापस आते हैं तो चेक करेंगे वापस देखते हैं क्या बनता है फिर वहाँ से घूम के ना फिर चले जाएंगे घर को। ठीक है सो भाई यार अभी चल रहे हैं धीरे धीरे तो थोड़ी सी एवरेज निकालते हैं तो पहले इधर से चलते हैं ना ऊपर ऊपर को चलते हैं फिर उधर से वापस आएंगे। सो गाइस यार अभी वेट है गाड़ियाँ क्लियर होने का मतलब क्लियर हो ही गई हैं मैक्सिमम थोड़ी सी रही हैं हमारे उधर जाते तक गाइस हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। यहाँ से पूरा प्रॉपर एक दो नंबर तीन नंबर ओहो वापस आ गई गाड़ी। अच्छा चल चलो 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 निकल रहा हूँ। एक नंबर दो तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर सारी गाड़ी 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 वापिस है। ओ भाई अभी देखते ट्राई करते हैं वापिस।
मजा नहीं आ रहा भाई। तो भाई उतनी जा रही है जितनी गई थी ना उतनी गई, बाकी आगे फिर गाड़ी आ गई भाई। चिट मैन भाई, आज हम मतलब कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए भाई टॉप एंड के चक्कर में। चलो ठीक है यार, जितना ही बजा ठीक है, अब ज़्यादा बारी नहीं करेंगे भाई। एक बारी होता, दो बारी होता, तीसरी बारी ग्रह होता भाई। 145 तक गई वापस। चलो जो जो छोड़ो पर है, जितनी भी गई ठीक है। बाकी गाइस यार मेरे ना पीछे वाले इंडिकेटर्स ना मतलब उनके ना कहीं एक जो पीछे दो लगे हैं ना, एक का एक बल्ब बंद हो गया, एक के दो बल्ब बंद हो गया, इनके अंदर तीन बल्ब होते हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ अभी चलते हैं घूमट, तो न्यू वाले डलवा लेते हैं, अभी मेरा मन बन रहा है तो। बाकी मन मेरा पूरा कर रहा है कि डलवा लूँ, तो अतुल भी बोलता है चल। तो यार क्या बनता है देखते हैं। बाकी यार आज ना हमें इतने सारे पुलिस वाले दिखे हैं ना, इतने सारे मतलब क्या बोलो कि हमारे पास ही बहुत सारी गाड़ियाँ गई हैं, तो खड़े हम खड़े थे, हमारे पास भी मतलब एक गाड़ी खड़ी थी। बट अब ना पुलिस वाले भी ना ज़्यादा सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेके, क्योंकि अब उनको भी पता है भाई जो थे ना पहले जो गंदा करते थे, बट आजकल बहुत कम हो गया भाई शहर में ऐसा कुछ। तो तभी अब आई थिंक पुलिस वाले को भी थोड़ी बहुत मतलब अब बश्क देते हैं बंदों को, राइडर्स को। बाकी सच एक बात बताऊँ आपको, 500 रुपये का तेल डाला था रियासी से, 500 रुपये का, 500 रुपये का तेल से मेरी बाइक में पहले तेल भी नहीं था, 500 रुपये का तेल डाला था, वही तेल अभी तक चल रहा है भाई। ओ भाई तू कहाँ रॉन्ग साइड आ रहा है चचा, वही 500 का तेल अभी तक चल रहा है, और एवरेज कैसी कैसी निकाल रही है बाइक वो देख रहे हो आप। भैया भैया जाने दो जाने दो, ज़्यादा जल्दी है क्या बंदे हैं नोले माँ है। ये देखो भाई बंदा एक मिनट भी वेट नहीं कर सकता है आजकल जम्मू में, चाहे वो ऑटो वाला होगा चाहे वो गाड़ी वाला होगा, भाई एक मिनट का वेट नहीं है किसी को आजकल। बाकी हमारे अतुल को भी गलियां दिखनी चाहिए भाई, गली देखो गलियों में देखो कैसे निकाल बाकी देखो जम्मू सिटी रह रह के ना क्योंकि गाड़ियों के बीच से ऐसे निकालता ना भाई। तो भाई लोग पहुंच चुके हैं बाइकों के शहर में, एक साइड पे लगाते हैं यार, देखते हैं कोई जगह। इंडिकेटर दिखाना यार कोई, थोड़ा बढ़िया वाला दिखाओ। ये कितने का पेयर चाइनीज़ से निकला हुआ है, ये कितने का? इससे बढ़िया आता ये बढ़िया गाड़ी खराब हो जाता, ये डला हुआ है पहले एक R310 का आता है, हाँ वो 250-300 रुपये का सिंगल पीस होता है वो। भाई यार इससे बढ़िया वाला दिखाओ यार, ये खराब हो जाता है। नहीं मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये है ना एक और आता है इसमें, इससे भी बढ़िया में आता है, कैपेसिटर भी होता है उसको। नहीं यार पता क्या सिस्टम क्या है सुनो, ये ना थोड़ी देर के बाद ना, थोड़े पीरियड के बाद कुछ हफ्ते के बाद ना, इसकी क्या पता एक LED बंद हो जाए, दो बंद हो जाए, वो कह रहा हूँ यही बीच पड़े आगे। नहीं
इससे बढ़िया कोई नहीं है, इसकी क्या गारंटी है यार। चल ट्रेंड नहीं है यार, ये तो बड़ा बढ़िया यार, मज़ा नहीं आया कुछ। अभी कहीं सामने आगे पीछे मिलते हैं, भैया इंडिकेटर्स मिलेगा केटीएम वाले दिखाओ भाई, केटीएम वाले कोई बढ़िया वाले दिखाना यार। तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फ़र्क होता है, वो थोड़ा बहुत पता चल जाता है यार बंदे को, बाकी हालत तो बुरी हो गई है। देखो नहीं यार ये भी वही है भैया, इससे बढ़िया नहीं है, इसके एलईडी बंद हो जाती है यार, मैंने थोड़े दिन पहले लिए। वरना जो ओरिजिनल होते हैं ना, ओरिजिनल वाले बढ़िया वाले, एक इसमें आता है चलो जितने का भी है उसको गोली मारो, एक आता है इसी में ना थोड़ा सा बढ़िया तो उसको कैपेसिटर होता है, और कोई यही चाइनीज होगा, चाइनीज मिलना चाहिए, चाइनीज उड़ जाता है। अंकल केटीएम वाले इंडिकेटर्स होंगे भैया, इंडिकेटर्स केटीएम वाले आपके पास कौन से पड़े हैं? फिर भी ऐसे आपके पास ओरिजिनल वाले होंगे ना, पल्सर भी है आरएस भी है आपने भी देख ली है? नहीं है आपके पास इंडिकेटर होंगे कोई केटीएम वाले पड़े हुए? दिखाओ यार कुछ, दो ही चाहिए, फिट कर लेगा ना, फिट कर लूँगा उसको, कोई दिक्कत नहीं। अतुल ये देख, ओ भाई ये देखो शाहबाज वाली भाई, ये आहिल के पास है अभी ये भाई, फिर थोड़े बढ़िया वाले यार, उधर दिखा रहे तो बिल्कुल देश की दिखा रहे हैं, खराब ना होंगे ये साले, मेरे पहले के भी डले थे ना एक, इनकी बीच से एलईडी खराब हो जाती है कितने के बीच है? 350 चलाना यार। हेलो मैं बोल रहा हूँ कि वो सारे काम मेरे से करवाते हैं, वो नीले कलर का कितने दूं इसके में? नहीं वो डले डले ये वाले डले हुए मेरे, कौन सी वाली दिखाओ बाकी तू रेट लेके तू गुमड़ में जा मर्जी ट्राई मार ले, येलो और व्हाइट डबल कलर का मोड है। अरे मैं जम्मू आया हुआ था तो ये अपनी 220 लाई हुई थी, सोच रहा हूँ कि अब आज हैं कौन सी वाली, अच्छा देखी थी मैंने रील आपकी, देखी थी कल नहीं, कल नहीं अभी देखी सुबह आए हुए आप भी, मैं निगर चलो ठीक है ये दे दो मेरे को इसका कितना, और भाई जो बंदा 800 रुपये की गारंटी दे रहा था वो यहाँ से अपन को मिल गया भाई 350 रुपये में, 350 रुपये में साथ दोनों। और भाई बात हुई है रोमी भाई से, बड़ी बहुत बोलते छाया हुआ है भाई तू इंस्टा पे,
धीरे धीरे सबको पता चल रहा है भाई। ठीक है रोमी भैया, आता हूँ फिर आपके पास। तो भाई अभी रोमी भाई से बात हुई, बाकी देखो बंदे ने इंडिकेटर्स दे दिए 50 रुपये मार्जिन रख के। चलो 50 रखा होगा, 100 रखा होगा, बट भाई बाकियों की तरह ये ना सिस्टम है कि भाई सीधा सीधा क्या बताऊँ, छोड़ो भरे जो भी है सब अच्छे हैं। बाकी अभी चलते हैं यार ऊपर। तो यहाँ से अभी हम गुजर नगर वाली साइड है और हमने यहाँ से जाना है इस साइड। बाकी इंडिकेटर्स तो मिल गए भाई हमें 350 रुपये में। भाई देखो आपसे कोई शर्म नहीं है, 350 रुपये में इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। पहले मैंने 510 रुपये का सिर्फ एक लगाया था भाई। भाई देखो सारे बंदे, देखो ब्लॉगर्स वगैरह लड़के वगैरह सारे इस पुल पे खड़े होते हैं भाई फ़ोटो शूट करने के लिए। बाकी गाइस जय माँ बाबे वाली सामने दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पर थोड़ी सी हवा ठंडी है भाई। और भाई यहाँ पर पेट्रोल ने भी सीन दे दिया, ये देखो। ओ भाई अब बनेगा सीन, अभी यहीं कहीं पेट्रोल पंप ही नहीं है, अब पता नहीं कहाँ बंद होना है ये। ओ भाई बंद मत होना भाई, पेट्रोल पंप तक पहुँचा दे, बाकी आगे मैं देख लूँगा। अभी ग्रीन बेल्ट पार्क वाले साइड जाएंगे, उधर से बाहर निकलेंगे तो गाइस हमें पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो बाकी ये देखो वो भाई सीन, बाकी अतुल को बताते हैं यहाँ खड़े होके। बाकी भाई यहाँ से ना मैं अपनी अपनी साइड अपनी वाली साइड ही रखूँगा, तो अपनी वाली साइड रखूँगा, कहीं बंद हो गए तो भाई जल्दी जल्दी साइड पर कर दूँगा। अभी इसका अब मेरे को पता नहीं है पेट्रोल पम्प यहाँ पर कौन सी वाली साइड है भाई। ओ ओ ओ ओ जाम में फंस गए भाई, जाम 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 जाम, ये सीन भी यहीं होना था। अरे यार अब निकाल नहीं रहा, देखो आगे किधर। ओले ए लो गया गया भाई गया गया खत्म। अब पता नहीं भाई है भी है या नहीं भाई, है चल करा है पेट्रोल रिजर्व भी है, बट चलो ये गाइस पहला झटका है। बैटरी लो गई है 0% मेरे हिसाब से, 5%। अभी कैमरा बंद करता हूँ गाइस, मिलता हूँ पेट्रोल पंप पास पहुँच के। भाई भाई बाइक स्टार्ट हो चुकी है, अतुल चल जल्दी पेट्रोल पंप किधर है। गलत ना जा रहे हो, हाँ यहाँ पर है, मेरे को पता है यहाँ पर है पेट्रोल पंप, है वो सामने। सो फाइनली भाई लोग पेट्रोल पंप के पास पहुँच चुके हैं, शुक्र है मेरा भाई। 500 का डलवा लेते हैं भाई, स्कैनर है ना आपके पास, 500 का डाल दो यार। भाई यार अभी हमने पेट्रोल डलवा दिया, अभी यार ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो अभी यार निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना, और मिलते हैं आपको एक ऐसे मैसेज ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।